नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने इस चैनल नागेंद्र द सेकंड नेम ऑफ स्ट्रगल में हार्दिक स्वागत करता हूं, और साथ ही साथ आप सभी लोगों का पंजाब नेशनल बैंक में भी हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक में ड्राफ्ट बनाने के लिए फॉर्म कैसे भरा जाए। दोस्तों, हर रोज़ कोई ना कोई बैंक में ड्राफ्ट बनाने ज़रूर आता है हम लोग के यहाँ, और हमेशा उन लोगों से फॉर्म भरते वक्त या चेक भरते वक्त बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए मैं यह वीडियो स्पेशली आप सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कभी ड्राफ्ट बनाना हो बैंक में, खासकर PNB बैंक में, तो आप लोग अपना फॉर्म कैसे फिलअप करें। ठीक है, तो उसी को बताने के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। और इसके अलावा मैंने इससे पहले ऑनलाइन अकाउंट कैसे खोला जाए, और उसके बाद में अकाउंट खोलने के बाद में जो आप लोग को ATM मिलता है, तो उस ATM का पिन कैसे बनाया जाए, और इसके अलावा RTGS और NEFT का फॉर्म कैसे भरा जाए, इन सारे पर भी मैंने वीडियो बनाकर अपने इस चैनल पर डाला हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि ड्राफ्ट के लिए हम लोग फॉर्म को कैसे फिलअप करें। देखिए दोस्तों, ये जो फॉर्म है यह ड्राफ्ट बनाने वाला फॉर्म है, ड्राफ्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है। इस फॉर्म के द्वारा आप लोग, ये देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, इसी फॉर्म पे आप RTGS, NEFT और ड्राफ्ट तीनों काम कर सकते हैं। इस फॉर्म पे आप RTGS, NEFT या ड्राफ्ट तीनों काम कर सकते हैं। ठीक है, RTGS के लिए भी यही फॉर्म लगेगा आप लोगों का, NEFT के लिए भी यही फॉर्म लगेगा, और ड्राफ्ट अगर आप लोगों को बनाना है तो भी यही फॉर्म आप लोगों को यूज करना होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है नाम, इस नाम के जगह पर जिसके नाम पर ड्राफ्ट बनाना है, मान लीजिए आपको MP कॉलेज बक्सर के नाम पर ड्राफ्ट बनाना है, ठीक है, तो उसका नाम हम लोग यहाँ पर नाम के जगह पर लिख देंगे। ठीक है, MP कॉलेज बक्सर। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है आपका अमाउंट। ठीक है, प्लीज इशू ड्राफ्ट ऑन, ऊपर में देखिए यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, प्लीज प्लीज इशू ड्राफ्ट ऑन, तो यहाँ पर जितने रुपए का आपको ड्राफ्ट बनाना है उतना यहाँ पर अमाउंट हम लोग मेंशन कर देंगे। मान लीजिए कि आप लोगों को 2 लाख रुपए का ड्राफ्ट बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लाख रुपया वर्ड में, यानी कि शब्द में, अगर हिंदी में लिखना है तो हिंदी में, या फिर इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में 2 लाख रुपीज़ यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस कॉलम में। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है, इसके बाद दे रहा है यहाँ पर, ये जो कॉलम है लाभग्राही बैंक तथा शाखा का नाम, यहाँ पर क्या लिखना है कि जो ड्राफ्ट आपका पेएबल है, अगर आपको ड्राफ्ट बक्सर में पे करना है तो बक्सर यहाँ पर लिखेंगे पेएबल एट बक्सर, या फिर अगर आपको ड्राफ्ट पटना में पे करना है तो लिखेंगे पेएबल एट पटना। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि MB कॉलेज बक्सर है, तो ये बक्सर में ही पेएबल होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पेएबल एट बक्सर। ठीक है, पेएबल एट बक्सर यहाँ पर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर राशि, राशि के जगह पर जितने का आप ड्राफ्ट बना रहे हैं वो प्लस जितने आपको कमीशन, कमीशन आप लोगों को बैंक में ही जोड़ के बता दिया जाएगा, दोनों अमाउंट को जोड़ के यहाँ पर टोटल अमाउंट लिख देना है। ठीक है, देखिए पूरा फॉर्म फिलअप किया हुआ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ड्राफ्ट का फॉर्म फिलअप किया जाता है, इस फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, सेम इसी तरह आपको अपना ड्राफ्ट बनाने के लिए फॉर्म को फिलअप करना होगा। यहाँ पर जिस नाम से आपको ड्राफ्ट बनाना है, MB कॉलेज बक्सर, वो यहाँ पर हम लोग नाम की जगह पर लिख देंगे। उसके बाद जितना अमाउंट का हम लोग को ड्राफ्ट बनाना है उतना अमाउंट हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, प्लीज़ इशू ड्राफ्ट ऑन, इतना अमाउंट का। ठीक है, यहाँ पर वर्ड में लिखा हुआ है, रुपीज़ के जगह पर लिखना था, सॉरी मैंने ऊपर लिख दिया है, वैसे ये लिखना था रुपीज़ के जगह पे, इन वर्ड जहाँ पर लिखा हुआ यहाँ पर लिखना था 2 लाख रुपीज़ ओनली। ठीक है, यहाँ पर लिखना था, और उसके बाद में यहाँ पर देखिए बक्सर में पेवल होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे पेवल एट बक्सर। ठीक है, लाभग्राही बैंक का नाम या शाखा का नाम यहाँ पर हो जाएगा पेवल एट बक्सर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 लाख का आप लोग ड्राफ्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग राशि जो है अमाउंट 2 लाख रुपये लिख देंगे, और ये जो कमीशन है यहाँ पर मैंने ऐसे ही डमी डाला हुआ है 350 रुपये, लेकिन 350 रुपये कमीशन नहीं होगा, जितना भी कमीशन होगा आप लोगों को बैंक के द्वारा आप लोगों को कैलकुलेट करके बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लाख के हिसाब से जितना भी कमीशन बनता है आपका, वहाँ पे इतना लिख देना है। ठीक है, टोटल अमाउंट आपका जोड़कर 2,03,000, 2,03,050 रुपये आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको भरना है, यहाँ पर दिनांक के जगह पर दिनांक भर देना है। ठीक
ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जितना अमाउंट, टोटल अमाउंट जो भी डेबिट हो रहा है, यानी कि आपके खाते से टोटल अमाउंट जितना डेबिट हो रहा है 2,350,000, ठीक है, वो ये अमाउंट यहाँ पर लिखना है। टोटल देखिए 2,350,000 रुपीज़ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। प्लीज़ डेबिट द टोटल अमाउंट, जहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। उसके अलावा फिर आते हैं हम लोग का यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर, जिसने आवेदन दिया है ड्राफ्ट बनाने के लिए उसका यहाँ पर हस्ताक्षर होगा, उसका नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है आप लोगों को कि ड्राफ्ट बनाने के लिए चेकबुक अनिवार्य है। आप कैश देकर बैंक में ड्राफ्ट नहीं बनवा सकते, आपको ड्राफ्ट बनाने के लिए चेक होना ज़रूरी है, ठीक है, और आपका उस बैंक में खाता होना भी ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं चेक को हम लोग कैसे भरेंगे। तो ये रहा हम लोग का ब्लैंक चेक, ठीक है। इस चेक को अगर ड्राफ्ट आप लोग को बनाना है तो इस चेक को आप लोग कैसे भरना है, यहाँ पर देखिए पे। अक्सर लोग चेक भरने में ज़्यादातर गलती करते हैं, उन लोग को समझ में नहीं आता है कि पे की जगह पे क्या भरें, डेट कैसे भरें, ठीक है, और ये अमाउंट कैसे भरें, ये सब चीज़ उन्हें समझ में नहीं आता है। साइन कहाँ करना है ये चीज़ उन्हें समझ में नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोग ड्राफ्ट बना रहे हैं तो चेक किस तरह भरना है उसमें सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चेक पर या फॉर्म पे बिल्कुल भी कटिंग अलाउ नहीं है। अगर आपका थोड़ा सा भी कटिंग या अमाउंट में या फिर डेट में कहीं पर भी हो जाता है तो आपका फॉर्म और चेक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो चेक भरते वक्त आप लोगों को खासा सावधानी बरतना है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इस चेक को कैसे भरा जाएगा। ये देखिए चेक को भरने के लिए सबसे पहले अगर आपको ड्राफ्ट बनाना है तो ड्राफ्ट बनाने के लिए यहाँ पर पे, पे के जगह पर यहाँ पर आपको किसी का नाम नहीं लिखना है, यहाँ पर सिर्फ लिखना है योर सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ या आपके पक्ष में, हिंदी या इंग्लिश में दोनों में से कोई भी, योर सेल्फ या आपके पक्ष में यहाँ पर पे के जगह पर लिखना है। अगर आप ड्राफ्ट बना रहे हैं तो भी, या फिर अगर आप NEFT कर रहे हैं तो भी, योर सेल्फ या आपके पक्ष में। उसके बाद जो अमाउंट है यहाँ पर टोटल अमाउंट आप लोगों को मेंशन करना है, जितना कि टोटल अमाउंट ड्राफ्ट अमाउंट प्लस कमीशन जोड़ के जितना टोटल अमाउंट हो रहा है वो चीज़ को यहाँ पर टोटल अमाउंट मेंशन करना है। जैसे कि आपका यहाँ पर देखते हैं हम लोग ड्राफ्ट आप लोग बना रहे हैं 2 लाख रुपए का, और कमीशन लग रहा है 350 रुपये, कुल मिलाकर आप लोगों का 2,350,000 रुपये हो रहा है। तो यही टोटल अमाउंट वहाँ पर चेक पर आप लोगों को मेंशन करना है, यही टोटल अमाउंट आप लोगों को यहाँ पर चेक पे मेंशन करना है, ठीक है, जितना टोटल अमाउंट आप लोगों का डेबिट होगा खाता से, ठीक है। तो यहाँ पर 2,350,000 रुपये आप लोगों को यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश में, अंग्रेजी में लिखना है यहाँ पर रुपीज़ की जगह पे, और यहाँ पे आपको वर्ल्ड में लिखना है, वर्ड में लिखना है, ठीक है, वर्ड में, अंक में यानी कि, ठीक है, सॉरी, अंक में यहाँ पर लिखना है आपको। और प्लस में ये रहा आपका चेक, यहाँ पे खाता नंबर ऑलरेडी आप लोग का मेंशन किया रहता है। अगर आपका पर्सनलाइज चेक है तो आपका यहाँ पर अकाउंट नंबर ऑलरेडी लिखा होगा, और यहाँ पर आपका साइन जहाँ पे होगा यहाँ पे आपका नाम भी लिखा होगा, और नाम के ऊपर आप लोग को हमेशा साइन करना होता है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि नाम के नीचे साइन कर देते हैं, जिसकी वजह से उन लोग का चेक जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है। और उसके अलावा एक चीज़ और जो है चेक में ध्यान देना है वो है डेट का। डेट अक्सर भरने में लोग गलती कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 1 बॉक्स 1 अंक के लिए दिया गया, 1 अंक के लिए 1 बॉक्स दिया गया, तो लोग क्या करते हैं कि दोनों अंक एक ही बॉक्स में लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 2 अंक दिया हुआ है डेट के लिए, 2 अंक दिया हुआ है मंथ के लिए, और 4 अंक दिया हुआ है आपका ईयर के लिए। तो इसमें 1 बाई 1 सब में एक एक अंक ही भरना है, ठीक है। इस प्रकार ये आपका चेक हो गया कि चेक कैसे फिलअप करना है, ठीक है। और ये चेक फिलअप करने के बाद में सेम चीज़ चेक के पीछे भी लिखना है कि कृपया इस चेक की राशि को MV कॉलेज बक्सर के पक्ष में ड्राफ्ट बनाने के लिए यूज किया जाए, ठीक है। सेम चीज़ ऐसे ही लिखना है, कृपया इस चेक की राशि को MV कॉलेज बक्सर के पक्ष में ड्राफ्ट बनाने के लिए यूज किया जाए, और उसके बाद नीचे में आपको अपना साइन भी करना है, ठीक है। और इस प्रकार ये करके आप लोगों को आपको देना है, ठीक है। इस प्रकार ये करके आपको इस फॉर्म के साथ आपको चेक और फॉर्म साथ में बैंक को देना है। इस प्रकार ये पूरा प्रोसेस था ड्राफ्ट बनाने के लिए, आप लोगों को फॉर्म कैसे फिलअप करना है, चेक कैसे फिलअप करना है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग अब आगे से कभी भी ड्राफ्ट या चेक भरने में कभी गलती नहीं कीजिएगा, फॉर्म भरने में कभी गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब
तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद। और अगर आप अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें। चलिए, धन्यवाद।